नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने रोचक एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने को कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास के किसान भाइयों को शेयर करिए, जिससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से जुड़ी जानकारी आपके आसपास के किसान भाई बंधु जान सकें। तो अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं जो हमारी फसल के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि हम लोग प्रतिदिन जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के रूप में प्राप्त होता रहता है और हमारे शरीर की ग्रोथ होती रहती है। उसी प्रकार से हमारी फसल को भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, उसकी जड़ विकास के लिए, उसकी पत्ती विकास के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी मोटाई के लिए अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स मुख्य होते हैं, उनको देना हम लोगों को आवश्यक होता है। मुख्य न्यूट्रिएंट्स यानी कि मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व देना इसलिए आवश्यक होता है कि हम मुख्य पोषक तत्व अपनी फसल को देते हैं तो हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है। जैसे कि हम छोटे बच्चे को देख लेते हैं, अगर उसकी छोटे पर से अगर देख रेख उसकी अच्छी नहीं होती है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। यानी कि हमको सूक्ष्म पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करना आवश्यक होता है। न्यूट्रिएंट्स की अगर पूर्ति नहीं करते हैं तो हमारा जो पौधा होता है वो छोटा हो जाता है, कहीं टेढ़ा हो जाता है या फिर बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से हमें न्यूट्रिएंट्स देना आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और किस प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग हमें अपनी फसल पर करना है। मात्रा की बात करते हैं तो हमको टोटल 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपनी फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 प्रकार के आवश्यक होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से वह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी फसल के लिए आवश्यक हैं। 20 किलो फेरस सल्फेट, 10 किलो जिंक सल्फेट, 10 किलो मैंगनीज सल्फेट, 5 किलो कॉपर सल्फेट और 5 किलो बोरिक सल्फेट। इन सब का अच्छे से ढेर बनाकर, अच्छे से मिक्स कर हमें उसके बाद अपनी फसल में देना है। अगर ये न्यूट्रिएंट्स हम अपनी फसल में देते हैं तो हमारी फसल की उपज अच्छी होती है और हमें अच्छा मुनाफा होता है। तो ये हमने बात कर ली मुख्य पोषक तत्वों की, यानी कि मुख्य न्यूट्रिएंट्सों की, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हमें दैनिक जीवन में जैसे आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार से हमें अपनी फसल को भी देना है। अब बात करते हैं जो फर्टिलाइजर हमें अपनी फसल में देने हैं उसके बारे में, 2 मिनट में हम बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमें यूरिया की, यानी कि नाइट्रोजन हमें अपनी फसल में कितनी देनी है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 300 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन अपनी फसल में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देनी है, यानी कि 650 किलोग्राम यूरिया। फास्फोरस की बात करते हैं तो 80 किलोग्राम फास्फोरस, 500 किलोग्राम सुपर फास्फेट अपनी फसल को देनी। पोटास 90 किलोग्राम यानी कि 150 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास अपनी फसल को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। ये सब फर्टिलाइजर आपको सिंचाई करते समय या फिर सिंचाई करने के बाद खेत में नमी होने के साथ साथ फर्टिलाइजर का प्रयोग आप लोगों को अपनी फसल में करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक किसानों भाइयों को शेयर करिए। धन्यवाद।